हेलो रिवन मैं डॉक्टर अनुज कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ए का 2023-24 ट्वेंटी स्टार्ट हो गया है और बीटेक टेक सेकेंड ईयर में आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सी की सभी ब्रांचेज में चलता है सी एस हो सी एस आई ओ टी सी की मेन ब्रांच सी की सभी ब्रांच में सब्जेक्ट चलता है और इस सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक तो आज इसी सब्जेक्ट को लेकर के हम इसका सिलेबस इसकी सभी यूनिट वाइज लेक्चर्स की प्ले और रिफरेंस बुक ये सब डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में तो सब्जेक्ट का नाम है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी भी कहते हैं अगर इसके सब्जेक्ट कोड की बात करें तो इस साल जो जिसका सब्जेक्ट कोड आया है वो है बी सी एस थ्री ज़ीरो थ्री ठीक है क्योंकि बी सीरीज आपकी चल चल रखी है पिछले साल से तो उसके अकॉर्डिंग इसका बी सीरीज में जो सब्जेक्ट कोड आया वो है बी सी एस थ्री जीरो थ्री इस सब्जेक्ट को आप सी एस की सभी ब्रांचेज में थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और चलिए डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस इसके लेक्चर्स आप कहाँ पर देख सकते हैं सभी है ना और इसकी रेफरेंस बुक कौन कौन सी होगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए ये सब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट कोड ऑलरेडी ले, मैं बता चुका हूं बी सी एस थ्री जीरो थ्री सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पिछले जो सिलेबस था और इस साल का जो सिलेबस है इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं सिलेबस की अगर बात करें तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ बल्कि कुछ टॉपिक्स कम किए गए हैं लास्ट ईयर की कंपेरिजन में देखा जाए लास्ट ईयर कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा थे वो हटा दिए गए इस बार और बस यूनिट्स को अरेंज किया गया है है ना <coughs> जो पहले आप यूनिट थ्री पढ़ते थे इस बार वो यूनिट वन में इंक्लूड करा दिया जो यूनिट वन में था वो यूनिट टू में चला गया और जो यूनिट टू में पढ़ते थे आप वो यूनिट फोर में चला गया तो इस तरीके से यूनिट्स को अरेंज किया है और कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है जो पिछले साल की सिलेबस में टॉपिक थे कुछ एक्स्ट्रा वो हटा दिए गए हैं और मैंने ये देखा भी था लास्ट जब मैंने वीडियोस बनाई थी कि कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनका कहीं पे भी कोई लिंक नहीं था वो सिलेबस में थे तो वो सब हट गए हैं बात करें लेटेस्ट जो अपडेटेड सिलेबस की प्ले है वो आप कहाँ पर देख सकते हैं आप जाएंगे अपने चैनल पर फियरलेस इनोसेंट मैथ जैसे आप चैनल पे जाते हैं तो आपको इस तरीके से स्क्रीन पर दिखाई देगा उसको आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड तो सबसे ऊपर आ जाती है जो वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं लेटेस्ट वो वीडियोस आती है उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो पॉपुलर वीडियोस आपको देखने को मिलेगी जो पॉपुलर वीडियोस है चैनल पर फिर आपको मिलेगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन का एक सेक्शन सेक्शन में इसलिए बनाता हूँ कि सेक्शन पे क्लिक कर कर अगर आप देखें तो यूनिट वाइज आपको प्ले लिस्ट एक जगह पर मिल जाती है इसलिए मैं एक सब्जेक्ट कोड का एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन बना देता हूँ तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन का सबसे ऊपर मिलेगा आपको फिर उसके नीचे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फोर जो कि टू थाउजेंड में आप पढ़ेंगे उसकी मैंने प्ले अरेंज कर दी इसका जो सिलेबस वगैरह है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके जस्ट नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डी एस टी एल बी सी एस थ्री जीरो थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर के नाम से एक सेक्शन बनाया है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स और इसको चूंकि हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं मैथमेटिक्स का ही ये सब्जेक्ट होता है इसको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं आपके यहाँ पर इसका नाम है डिस्क्रीट डिस्क्रिट एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक तो इस सेक्शन में आपको सभी की सभी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आपको करना क्या है इस सेक्शन को क्लिक करना है इस सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर मिलेगी डी एस टी एल यूनिट वन जिसमें टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है, है ना फिर उसके जस्ट नीचे जाएंगे यूनिट टू फिर यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट फाइव यहाँ तक आपको मिलेगा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो ऊपर पाँच यूनिट्स मैंने यूनिट वाइज बनाई है ये लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी बैक वैक आती है तो उनको पुराने ही सिलेबस से पढ़ना होगा उसके लिए मैंने पुराने सिलेबस को हटाया नहीं इसके जस्ट नीचे जो आपका है ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक मॉड्यूल वन के सी एस थ्री जीरो थ्री यहाँ से आपका पूरा पिछले साल वाला सिलेबस स्टार्ट होगा तो जिन बच्चों की बैक है तो आप इन प्ले लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं इसके नीचे जो आप मैंने बनाई है ये ओल्ड सिलेबस की है पाँचों यूनिट है ना जो न्यू सिलेबस है वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा यूनिट वाइज यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव इसमें कुछ टॉपिक्स अभी अपलोडेड करने हैं ठीक है ना कुछ अपलोड करने हैं जो लास्ट ईयर रह गए थे वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा तो यहां पर जाकर के आप यूनिट वाइज डीएसटीएल की सभी यूनिट्स को पढ़ सकते हैं बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस में है क्या क्या चीजें ठीक है इसका सब्जेक्ट कोड बी सी एस थ्री जीरो थ्री और सब्जेक्ट नाम डी या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक यूनिट वन यूनिट वन में यूनिट वन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है है ना एक तो है सेट थ्योरी एंड रिलेशंस और एक है पोसेट एंड लेटिस ठीक है पहले ये लैटिस जो है थर्ड यूनिट में हम पढ़ते थे लेकिन इस बार इसको फर्स्ट यूनिट में ही डाला गया है क्योंकि जो पोसेट होता है वो रिलेशन से रिलेट करता है ठीक है उसी का यूज़ करके पोसेट सेट को डिफाइन करते हैं मेरे अकॉर्डिंग ये रिलेशन के साथ ही होना चाहिए था तो इस बार ये अच्छे से इसको सेट कर दिया गया है ये रिलेशन के साथ आ गया है इससे आपको समझने में दिक्कत भी नहीं होगी तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है वो सेट्स का और उसके ऑपरेशन वगैरह सेट्स पर जो होते हैं जो पूरी डिस्क्रिक्ट मैथमेटिक्स में लगेंगे वो आपको पढ़ने हैं उसके बाद रिलेशंस की डेफिनेशन पढ़नी है ऑपरेशन रिलेशन के ऊपर प्रॉपर्टीज रिलेशन कंपोजिट रिलेशन इक्वलिटी ऑफ रिलेशन रिक्रेसिव डेफिनेशन ऑफ रिलेशन ऑर्डर ऑफ रिलेशन तो रिलेशन को लेकर के हमें सब चीज़ें डिस्कस कर लेनी है फिर जब रिलेशन आपको आ जाएगा तो रिलेशन के बाद में रिलेशन का यूज करके हम डिफाइन करते हैं पोसेट और हाथ डायग्राम फिर उसकी डेफिनेशन को लेकर के लेटिस डिफाइन करते हैं लेटिस में बाउंडेड कॉम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडुलर और कंप्लीट ये लेटिस आपके सिलेबस में है तो यूनिट वन में आप सेट थ्योरी रिलेशन और पोसेट लेटिस को कवर करेंगे थोड़ी सी बड़ी यूनिट जाएगी ये क्योंकि इसमें यूनिट थर्ड को लगभग पूरा मर्ज कर दिया और यूनिट वन से केवल फंक्शन को हटाया है और फंक्शन को हटा के कहाँ पर डाला गया यूनिट टू में यूनिट टू में आप पढ़ेंगे यूनिट टू में आप पढ़ेंगे फंक्शंस एंड बुल एल्जरा ठीक है यूनिट टू में पहले फंक्शंस को पढ़ेंगे डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन ऑपरेशन ऑफ फंक्शन ग्रोथ ऑफ फंक्शन ये टॉपिक्स आपके फंक्शंस के होंगे फिर बुल इन को पढ़ेंगे बुलिन एल्जबरा में आपको पढ़ना है थ्योरम्स बुल इन की डेफिनेशन एल्जब्राइक मैनुपलेन ऑफ बुल एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुल फंक्शन और के मैप कानुक मैप तो फंक्शन और बुल एल्जबरा ये यूनिट टू में डाल दी गई है फिर बात करते हैं यूनिट थ्री की यूनिट थ्री में आपका है थ्योरी ऑफ लॉजिक एंड प्रिडिकेट लॉजिक

एल्जैरा के स्ट्रक्चर में हम कवर करते हैं ग्रुप्स को सब ग्रुप्स को साइक्लिक ग्रुप्स को कोसेट को लेकरानजे थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप परमुटेशन सिमेट्रिक ग्रुप ग्रुप होमोमोरफिजम एंड एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग एंड फील्ड तो इसमें ग्रुप थ्योरी आती है ग्रुप थ्योरी में जितना आपका सिलेबस में उसको कवर करना होता है आपको है ना ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप लेकरजे थ्योरम रिंग फील्ड ठीक है ये भी बहुत अच्छी यूनिट है प्योर मैथमेटिक्स में आता है है ना तो एल्जब्राइक स्ट्रक्चर जो कि आप यूनिट फोर में पढ़ेंगे और यूनिट फाइव जिसको आप डेटा स्ट्रक्चर में भी काफ़ी कुछ कवर कर जाते हैं है, है ना ग्राफ थ्योरी ग्राफ थ्योरी या ट्रीज़ ये आप डेटा स्ट्रक्चर में भी कवर कर जाते हैं सारी डेफिनेशन लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा डेफिनेशन भी होगी तो उसमें ग्राफ्स और कॉम्बिनेट्रिक्स की हमारी ये यूनिट है जिसमें हम ग्राफ को लेकर के रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ मल्टीग्राफ ग्राफ बाइपरटाइट ग्राफ प्लेनर ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म होमोमोरफिज आइलर एंड हैमिल्टोनियन पाथ ग्राफ कलरिंग ये सब ग्राफ में हम पढ़ते हैं इसमें से इस बार ट्री वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है क्योंकि ट्री वाला टॉपिक आई थिंक यहाँ पे यूज भी नहीं है डेटा स्ट्रक्चर में कवर हो जाता है तो ट्री वाला टॉपिक इससे रिमूव किया गया है और इसमें एक एक टॉपिक था रेक्रेंस रिलेशन जिससे एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा बनता था वो भी हटा दिया गया है वो भी बिल्कुल इन टॉपिक से डिफरेंट था तो आई थिंक उसका भी कोई यूज नहीं है यहाँ पर तो उसको भी सही हटाया गया है तो इस यूनिट को काफी छोटा कर दिया गया अब इसमें केवल ग्राफ थ्योरी बची है और कॉम्बिनेटिक्स के दो तीन टॉपिक बचे हैं इंट्रोडक्शन काउंटिंग टेक्निक और पिगन होल प्रिंसिपल ठीक है तो ये काफ़ी छोटी यूनिट हो गई है ज़्यादातर चेंजेस जो आए हैं वो हमारे इसी में ही आए हैं यूनिट फाइव में इसमें से दो तीन टॉपिक्स जो है वो हटा दिए गए हैं तो ये आपके हो गए यूनिट वन टू फाइव डी की बुक की अगर बात करें तो ये जो सारा सिलेबस है अगर मैं अपनी वीडियोस की बात करूं तो किसी एक बुक को मैंने यूज़ नहीं किया है ठीक है ना जो स्टैंडर्ड बुक्स है वही मैंने यूज़ की है और एक बुक में इसका सारा सिलेबस मिलता भी नहीं है तो आपके लिए बेटर रहेगा अगर आपको कोई एन पी बालिया एच के दास की कोई एडिशन मिल जाता है लेटेस्ट एडिशन इस सिलेबस को लेकर के तो आप एन पी बालिया एच के दास को परचेज़ कर सकते हो ठीक है क्वेश्चन को लगाने के लिए बाकी मेथड्स वीडियोस अगर आप कवर कर लेते हैं तो नाइन्टी परसेंट सिलेबस और पेपर उसी से आपका का अटैम्प हो जाता है ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को फियरलेस इनोसेंट मैथ को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को बताओ अपने जूनियर्स को बताओ कि हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स वन टू थ्री फोर डी सभी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें थैंक यू फॉर वाचिंग